YouTube पे आप अपने व्यूज़ कैसे ला सकते हैं, आज के इस वीडियो में मैं संक्षिप्त में बात करूंगा और आपको वो गोल्डन रूल बताऊंगा जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स आपको कभी नहीं बताने वाले हैं। YouTube पे व्यूज़ आपको लाना है तो आप एक टॉपिक डिसाइड करोगे, जिस टॉपिक को आपने डिसाइड किया है उस टॉपिक से रिलेटेड आपको टैग सर्च करना है और उस टॉपिक से रिलेटेड एक अच्छा सा डिस्क्रिप्शन। आप कैसे सर्च करोगे, ये जो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ अगर आप कर लो, गारंटीड मैं दे रहा हूँ आपके वीडियोज़ में व्यूज़ आएंगे ही आएंगे। सबसे पहले आपको बता दूँ, आप कहोगे कि व्यूज़ तो कम है, तो गारंटीड मैं इस बात की आपको गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो को 2 महीने 3 महीने बाद उठा के देख लेना। मैंने बहुत से मिलियंस ऑफ व्यूज़, बहुत से लाखों व्यूज़ कमाए हैं इन्हीं मेथड्स को अप्लाई करके जो मैंने 4 साल में सीखा है, सिर्फ यही सीखा है। कोई भी यूट्यूबर आपको कितने भी बैनर बना करके दे दे, कुछ भी करके दे दे, आपके व्यूज़ नहीं आएंगे। आप ये प्रैक्टिकल कर चुके हो जो मैं बता रहा हूँ, आप अगर वो करते हो तो गारंटीड आपको व्यूज़ आएंगे। सबसे पहले आपको करना है कि आपका जो भी टॉपिक है उसको यूट्यूब के सर्च बॉक्स में टाइप करना है। YouTube के सर्च बॉक्स पे जब आप टाइप करेंगे तो नीचे सजेस्टेड वीडियोस आते हैं। सजेस्टेड वीडियोस वो वीडियोस होते हैं जिन्हों रैंक करते हैं। जब आप टाइटल टैग थंबनेल उस हिसाब से डालोगे ही नहीं जो रैंकिंग वाले हैं तो व्यूज़ कैसे आएंगे, जब लोगों ऑडियंस तक वो वीडियो पहुँचेगा ही नहीं तो व्यूज़ कैसे आएंगे। आपको सबसे पहले नीचे वहाँ पे सर्च करना है, जैसे हाउ टू क्रिएट यूट्यूब चैनल आपका टॉपिक है तो आपको सर्च बॉक्स में लिखना है हाउ टू क्रिएट यूट्यूब चैनल। तो हाउ टू क्रिएट यूट्यूब चैनल के नीचे देखो सजेस्टेड में बहुत सी चीज़ें आएंगी, उन सब को कॉपी करो और अपना टैग बनाओ। उन सब को कॉपी करो जितने भी आ रहे हैं और अपना टैग बनाओ। उन सब को अपना डिस्क्रिप्शन बनाओ, घुमा फिरा के डिस्क्रिप्शन बनाओ। डिस्क्रिप्शन बनाने के बाद सेम जो टाइटल आपने दिया है वही सेम डिस्क्रिप्शन में भी एक लाइन लिख दो और वही सेम टैग में भी लिख दो। तो पहला मैंने बताया, सर्च बॉक्स में नीचे जितने भी आ रहे हैं सजेस्टेड में वो सबको टैग बनाओ, डिस्क्रिप्शन बनाओ। जो टाइटल लिया, दूसरी बात, जो टाइटल लिया उसी को टाइटल टैग और डिस्क्रिप्शन में फिट कर दो। तीसरी बात बहुत इम्पॉर्टेंट है जो कि थंबनेल को लेकर के है। थंबनेल अगर आप बनाना नहीं सीखे हैं अच्छे तरीके से तो यूट्यूब पे वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं। जब तक थंबनेल अट्रैक्टिव नहीं होगा, इनोवेटिव नहीं होगा, क्रिएटिव नहीं होगा, तब तक कोई भी आपके वीडियो पे आएगा ही नहीं, देखने ही नहीं आएगा, कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। मैं इतना एक्सपीरियंस गेन कर चुका हूँ यूट्यूब के फील्ड में, मैं आपको थंबनेल देख के बता सकता हूँ कि इस पर्टिकुलर थंबनेल का मिलियन में व्यूज़ होगा, इस पर्टिकुलर थंबनेल का लाखों में व्यूज़ होगा और कन्फर्म गारंटीड। मैं व्यूज़ देखता ही नहीं, जब ऊपर नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि अरे ये वीडियो का तो लाखों में व्यूज़ कन्फर्म गया होगा, तो देखता हूँ लाखों में रहता है। कभी कभी कोई वीडियो रहता है मैं कहता हूँ इसका तो मिलियंस में गया होगा, वो मिलियंस में रहता है, जबकि मैं व्यूज़ बाद में देखता हूँ, फिर एग्जैक्ट मैच करता है क्योंकि थंबनेल से हम डिसाइड कर चुके हैं, मेरे दिमाग में इमेज बन चुकी है कि कैसा थंबनेल होना चाहिए। थोड़ा टाइम लग जाता है, तो 4 साल में हम जो सीखे हमें आज की डेट में, अगर मैं आपको ये कहूँ कि मुझसे ज़्यादा कोई यूट्यूब के बारे में नहीं जानता है तो आप एकदम सही चैनल पे आए हैं और मैं एकदम सही बात आपको बता रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसी पॉलिसी रूल्स रेगुलेशन है जो मैं नहीं जानता हूँ, मैं आपको सब कुछ बता सकता हूँ। बहुत प्रैक्टिकल मेगा पैक्स एक प्रैक्टिकल और एक्सपेरिमेंट किया हुआ चैनल है, बहुत प्रैक्टिकल किया है, बहुत एक्सपेरिमेंट किया है, छोटे वीडियोज़, बड़े वीडियोज़, शॉर्ट टैग कॉपी करके चोरी करके कभी वीडियो डाला है, बहुत कुछ किया है। तो इतना एक्सपेरिमेंट किया है कि मैं जो बताऊँगा मैं बहुत ही जेन्युइन चीज़ें आपको बताऊंगा। इत कौन सा भी एक कोई पर्टिकुलर सिंगल वीडियो इंडिया का नहीं होगा जो हम नहीं देखे होंगे, जो जिसके बारे में हमें नहीं पता होगा। हर एक बड़े बड़े यूट्यूबर को मैंने देखा है, वो आपको पांच रूल होते हैं और वो 5 रूल से सक्सेस किए हैं अपने चैनल पे, तो वो 5 ना बता के आपको 3 ही बताएंगे, बाकी का 2 नहीं बताएंगे। वो अगर बाकी का 2 या 5 वो पाँचों का 5 तरीका आपको रिवील कर देंगे तो आप भी उनके टक्कर के यूट्यूबर बन जाओगे और कंपटीशन उनका बढ़ जाएगा, इसलिए वो कभी भी आपको 5 बात नहीं बताएंगे। लेकिन एक 5 बात वो यूट्यूबर आपको ज़रूर बताएगा जो स्ट्रगलिंग है, जो ऊपर उठ रहा है। 85,000 सब्सक्राइबर मैंने अपने बेस पे किए हैं, मैंने लाखों मिलियंस व्यूज़ लेकर के किए हैं, लेकिन मैंने कभी भी अपने सिद्धांत, अपने पॉलिसी से समझौता कभी नहीं किया। बहुत से लोगों ने मुझे कहा अपने चैनल को फिक्स कर लो, एक वे में लेके चलो, कोई एक टॉपिक डिसाइड कर लो, मैंने कभी ऐसा नहीं किया। मैंने कभी टॉपिक, आज मेगा फैक्ट्स के 8-9 लाख सब्सक्राइबर हुए होते बहुत आसान से, क्योंकि एक बार मौका आया था चंद्रयान वाला, मैंने उस टॉपिक को लगाया और फिर मैं जेन्युइन न्यूज़ देता गया, अपनी राय देता गया, आगे बढ़ता गया। उसके बाद भी बिल्लू सांडा क्राइम के वीडियोस, बहुत से गुलशन कुमार की हत्या कैसे की, ये सब वीडियोस बहुत ट्रेंड किए थे, लाखों में व्यूज़, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 35 लाख, ऐसे ऐसे व्यूज़ आए, तो मैंने यही सारी ट्रिक्स अपनाई हैं। चौथी बात,
अगर आपको अपने वीडियोस को व्यूज़ लाना है तो कोई एक टॉपिक चल गया, कोई तो टॉपिक होगा 10 साल से 5 साल से 4 साल से 2 साल से, आप इतने भी कोई टॉपिक जो चल गया उसी टॉपिक से रिलेटेड दूसरा टॉपिक बना लो। जैसे अगर आपने बताया कि मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर कैसे बढ़ेंगे, ठीक है, इस ये वीडियो अगर चल गया तो सब्सक्राइबर पे ही दूसरा वीडियो बना दो तुरंत, क्योंकि अभी लोगों ने देखा है और उनके मोबाइल पे ब्राउजिंग फीचर में होगा तो वो जब फोटो दिखेगी तभी तो क्लिक करेंगे आपके वीडियो को। तो जो वीडियो चले उसी पे बनाते चले जाइए। और एक गलती जो मेरे चैनल में मैंने की है वो आप कभी मत कीजिएगा। अपने चैनल का टॉपिक डिसाइड कीजिए कि सिर्फ एक टॉपिक हमको डिलीवर करना है। एक टॉपिक डिलीवर करने का मतलब है, अगर आप डांस सिखाते हैं तो आपका सिर्फ डांसिंग चैनल होना चाहिए। अगर आप गाना गाते हैं, सिंगिंग का चैनल, तो सिर्फ सिंगिंग करेंगे आप। अगर आपका न्यूज़ चैनल है तो आप सिर्फ न्यूज़ करेंगे। यूनिवर्स के बारे में अगर आप बता रहे हैं, ब्रह्मांड के बारे में बता रहे हैं, एस्ट्रॉयड मीट्रॉयड, तो सिर्फ आप ब्रह्मांड के बारे में बताएंगे। अगर कोई फैक्ट्स बता रहे हैं तो आप सिर्फ फैक्ट्स के बारे में बताएंगे। किसी की बायोग्राफी बता रहे हैं तो आप वो बताएंगे। बॉलीवुड रिव्यू करते हैं तो सिर्फ वही बताएंगे। आप ट्रेंड से अलग नहीं हटेंगे। मेगा फैक्ट्स हर एक चीज़ से डील करता है। आप मेरे हर एक वीडियोज़ देख सकते हो, हर एक चीज़, सुनामी से लेके फ्लर्ट्स, हर एक चीज़ मैंने वीडियो में दी है। हत्या कैसे हुई, क्राइम वीडियो, यूनिवर्स वीडियो, बॉलीवुड फैक्ट्स, सिंगिंग, सब कुछ दे दिया है आपको। तो जो मैंने गोल्डन रूल आपको बताया, थंबनेल में 90% आपका थंबनेल होता है, 10% आपका वीडियो होता है। ये बात कोई नहीं कहेगा, मैं कहता हूँ 90% आपका वीडियो नहीं होता है, 90% आपका थंबनेल होता है। आप जिस तरीके से थंबनेल बनाएंगे उसी तरीके से ऑडियंस आएगी। पहले तो थंबनेल अच्छा होना चाहिए ना। थंबनेल ही अच्छा नहीं होगा तो कोई क्लिक ही नहीं करेगा। तो वीडियो बनाते रहो कोट सूट पहन करके, कोई नहीं देखने वाला है। कोट सूट पहनो, चश्मा भी लगा लो, बाल भी बढ़ा लो, लेकिन थंबनेल अच्छा बनाओ। अगर थंबनेल अच्छा नहीं है, पिक्चर का, जब एक्टर पिक्चर यहाँ नहीं चल रही है, जब कोई बॉलीवुड पिक्चर में देखते हो कितनी घटिया पिक्चर हो, लेकिन सलमान खान, शाहरुख खान काम करते हैं तो पिक्चर चल जाती है। क्यों चल जाती है? नाम है। तो यूट्यूब में नाम नहीं होता किसी का, 10-10 साल हो जाते हैं कोई नाम नहीं होता, 1-1 हज़ार सब्सक्राइबर कोई पूरा नहीं कर पाता। तो थंबनेल से पिक्चर चलती है। यूट्यूब पर थंबनेल, टाइटल, टैग जरूर डालो। अगर हमने गुलशन कुमार की हिस्ट्री बताई थी तो गुलशन कुमार की पूरी बायोग्राफी डिस्क्रिप्शन में दिख दी थी। तो ये रूल आप अपनाइए। 1-2 महीने बाद ही सही, 3 महीने बाद अपना वीडियो देखिएगा, थोड़ा सब्र रख करके, बढ़ेगा ही बढ़ेगा व्यूज़। और एक टॉपिक आप डिसाइड कर ले कि आप किस टॉपिक पे आपको वीडियो बनाना है। एक लास्ट ओपिनियन मैं देना चाहता हूँ आपको, बोनस टिप देता हूँ। पहले आपने वीडियो डाल दिया तो आपका वीडियो चलेगा या नहीं चलेगा ये पहले 10 लोग मिल करके डिसाइड करते हैं। जो पहले 10 से 20 लोग होते हैं वीडियो जो देख लेते हैं, अगर वो पूरा वीडियो देख लिए पहले 10 से 20 व्यूवर्स आपके, तो वीडियो सजेस्टेड में चला जाएगा, वो वीडियो का व्यूज़ भी बहुत अच्छा आएगा। लेकिन पहले 10 और 20 लोग ही आपका आधे वीडियो देख के बैक कर दिए, या 5 मिनट का वीडियो बनाए थे, 1 मिनट के वीडियो को देख करके बैक कर दिए, तो आपका वीडियो सजेस्टेड में नहीं जाएगा। आपका वीडियो वहीं पर दम तोड़ देगा, रैंकिंग में कभी नहीं आएगा। तो ये याद रखिएगा कि आपके पहले 10 से 20 व्यूअर्स वो हैं जो आपको व्यूज़ दिलाएंगे। मेरे पिछले लाइन से सारे वीडियोस को जाके एनालिसिस करिएगा, 4 साल तक के वीडियो पड़े हुए हैं, देखिएगा मिलियंस, लाख व्यूज़ कैसे आए हैं, कैसे सब्सक्राइबर गेन किए हैं मैंने। मेरी हर महीने की पेमेंट आती है, हर महीने की पेमेंट YouTube मुझे दे देता है। मैं इस बात का YouTube को शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं भले वीडियो नहीं बनाता हूँ, लेकिन मेरे पुराने वीडियोस चलते हैं जिससे मेरी अर्निंग होती है। लेकिन मैं ये सोच के कभी नहीं बैठता हूँ कि मेरे पुराने वीडियोस चल रहे हैं तो मुझे नए वीडियोस नहीं करने हैं। मैं नए वीडियोस पे हमेशा जान डालता हूँ, हमेशा काम करता रहता हूँ, सीखता रहता हूँ, चाहे वो फोटोग्राफी हो, चाहे वीडियोग्राफी, कुछ भी हो, नई नई चीज़ें मैं आपके सामने आकर के आपको बताते रहता हूँ। ये ट्यूटोरियल गाइड था, ये पहला अध्याय था जो मैंने आपके सामने रख दिया, सारी चीज़ें बताई, टाइटल टैग कैसे आपको डालना है, कैसे नहीं डालना है। और लास्ट में आपको बता रहा हूँ, नो मोर थंब रूल टू गेट सक्सेस इन दिस फील्ड। कभी भी नहीं, कोई थंब रूल नहीं है ऐसा कि ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो, तुम हिट हो जाओ। नहीं, जैसा हम बता रहे हैं एक बार बस वैसा करके देखो। इसके बाद हम लगातार गाइड करते जाएंगे कि मोबाइल पे कैसे करते हैं, लैपटॉप पे कैसे करते हैं, कैसे क्या चीज़ें होती हैं। बहुत बड़ा फील्ड है यूट्यूब, मैंने कभी समझौता नहीं किया, मैं कभी टिकटॉक पे नहीं गया, कभी नहीं गया। सीरियस टॉपिक लेकर के सामने आपके हमेशा, हे हा ही हू कभी नहीं की है मैंने आपके सामने, कभी मजाक मस्ती नहीं की है मैंने, सीरियस टॉपिक उठाया है हमेशा आपके सामने। कितने व्यूज़ आए होंगे, कितने नहीं आए होंगे, उससे हमें कोई मतलब नहीं होता है। आपको और हमें मिलकर के आपके चैनल को बनाना है। आप अपने चैनल को बनाइए और मैं आपको पूरी तरीके से गाइड करूँगा। आप कमेंट करिए, कमेंट में आपको कुछ नहीं समझ में आता है, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करूँगा आपके। और आप ज़रूर यूट्यूब चैनल बनाइए, अगर नहीं बनाया है तो। आने वाले टाइम में जिसका यूट्यूब चैनल है वही राजा है, क्योंकि YouTube अथाह सागर पैसा फेंकता है। YouTube ऐड चलते हैं, अगर फॉरेन कस्टमर आपके बन गए हैं
सीपीसी गजब तगड़ा मिलता है, आपको पता होगा। और मुलाकात करूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि व्यूज़ के बाद अपने सब्सक्राइबर पे कैसे फोकस करते हैं। मैंने कैसे अपने सब्सक्राइबर, मेरे हर एक दिन में 500-400 सब्सक्राइबर मैं गेन कर लेता हूँ हर एक दिन में, जबकि मैं वीडियो नहीं डालता हूँ, वो कैसे होता है वो बेसिक मैं थ्योरी आपको दूंगा, वो थंब रूल मैं आपको बताऊंगा। इसका तो थंब रूल है, इसीलिए मैंने यूज़ किया थंब रूल, वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा और वो एक ट्रिक है जो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इस वीडियो को आपको अगर समझ में कुछ नहीं आता है तो पॉज करके बैक करके ज़रूर देखिए, कॉमेंट में मुझसे पूछिए, मैं आपको बताऊँगा। और हाँ, मैंने कभी ये बात नहीं बोली, लेकिन मैं ये आज बात बोलता हूँ कि हाँ, मुझे लगता है कि यूट्यूब में मुझसे ज़्यादा शायद कोई नहीं जानता होगा, क्योंकि 4 साल में बहुत एक्सपेरिमेंट किया है। जय हिंद, वंदे मातरम।